अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरा नाम इंशाल यूसुफ है और मैं स्कूल लाइफ से एक एथियस्ट की लाइफ गुजार रहा हूँ, लेकिन मैंने समटाइम्स बहुत कोशिश की कि मैं मुसलमान हो जाऊँ और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं एक मुसलमान की ज़िंदगी गुजारूँ, क्योंकि मैंने आपके भी बहुत से लेक्चर सुने और बहुत ज़्यादा मैं इस्लाम से इंस्पायर हूँ। बट द रीज़न इज़ के मज़हब इस्लाम के मुताबिक कुफ्र और इस्लाम के बीच में जो फ़र्क है वो नमाज है, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की कि क्या मैं नमाज़ पढ़ सकता हूँ या नहीं, और मैंने अपने बहुत से दोस्तों को देखा कि क्या आप नमाज़ पढ़ते हो, तो मुझे यही पता चला वो कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते। सो क्या एक मुस्लिम बहसियत मुस्लिम क्या नमाज़ पढ़े बगैर खुद को मुस्लिम कह सकता है कि नहीं? थैंक यू। भाई साहब का सवाल है कि वो एथियस्ट कहते हैं अपने आप को और कहते हैं कि वो इस्लाम की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, और उनने देखा उनके दोस्तों कभी नमाज पढ़ते कभी नहीं पढ़ते। तो उनका मेन सवाल है कि अगर कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ता है, मुस्लिम है लेकिन नमाज कभी पढ़ता है कभी नहीं पढ़ता है, वो अपने आप को मुसलमान कह सकता है क्या? नंबर वन, मुस्लिम कहने के लिए दो शर्तें हैं। नंबर वन, यो माने अल्लाह सुभाना व ताला एक है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं। नंबर दो, वो ये माने कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल है। ये दो चीज कोई शख्स अगर मानता है तो वो मुस्लिम हो सकता है। उसके बाद एक होता है प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, एक होता है नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। एक होता है वेरी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। खाली मुस्लिम बोलने के लिए ये दो शर्तें काफी है। अगर वो शहादत देता है और कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के मैं शहादत देता हूं कि अल्लाह एक है, अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह एक है और अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो ये बोलने से वो मिनिमम क्राइटेरिया पूरी कर देता है। बाद में तो लेवल्स तो बहुत है, सैकड़ों हजारों लेवल है, लेकिन मिनिमम ये रिक्वायरमेंट है, मिनिमम ये रिक्वायरमेंट। आप पूछेंगे मुस्लिम शराब पी सकता है? पीना नहीं चाहिए, पीता है और बोलता है मैं गलत करता हूं फिर भी मुस्लिम है, लेकिन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है। आप समझे, एक शख्स अगर शराब पीता है, कुरान की आयत सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90, या अय्युहल्लज़ीन आमनू इन्नमल खमरु वल मैसरु वल अनसाबु वल असलामु रिज्सुम मिन शैतान फजतनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए मोमिनो, खमर, जुआ खेलना, फॉर्चून टेलिंग, आइडल वर्शिप, ये शैतान के हथकंडे हैं, इनसे बचो ताकि तुम सफलता पाओ। तो कुरान और सही हदीस की रोशनी में एकदम साफ है कि मुसलमान शराब पीना मुसलमान के लिए हराम है। लेकिन अगर कोई मुस्लिम पीता है और कहता है कि मैं गलत कर रहा हूं तो उसे काफिर नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे एक मुसलमान जो अल्लाह के अहकामात पे अमल नहीं कर रहा है। अगर वो कहता है कि शराब पीना इस्लाम में जायज है तो वो अल्लाह के उस अहकाम को झुठला रहा है। जिस तरीके से पहले भाई साहब ने पूछा काफिर किसको कहते हैं, अगर एक मुसलमान गलत करता है हराम करता है और कहता है कि मेरे से गलती हुई लेकिन मैं उसको बंद नहीं कर सकता हूं तो उसे काफिर नहीं कहेंगे। अगर वो इसी तरीके से कौन इंसान अगर नमाज नहीं पढ़ता है, बोलता है पढ़ना चाहिए लेकिन मैं लेजी हूं मैं आलसी हूं, एक वो शख्स होता है जो एक बार नमाज पढ़े दो बार पढ़े तो कोई भी हालत में उसे कोई काफिर नहीं कह सकता। अल्लाह के रसूल की हदीस है सही मुस्लिम की जिसमें कहा गया है कि कुफ्र और ईमान के दरमियान है सलाह, कुफ्र और ईमान के दरमियान है सलाह। तो इससे उल्मा इस्तेदलाल लेते हैं, एक ग्रुप ये कहती है कि अगर कोई शख्स बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ता है एक भी नहीं तो काफिर हो जाता है। दूसरे उल्मा की ये राय है कि अगर वो नमाज नहीं पढ़ता है लेकिन कहता है कि पढ़ना चाहिए मेरी से गलती है तो उसे काफिर नहीं कहेंगे, कहेंगे वो मुसलमान जो अल्लाह के अहकामात पे अमल नहीं करता है, उसे कहेंगे वो अच्छा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है। तो
तो इसमें उलमा के दो ग्रुप है। एक ग्रुप कहते हैं अगर वो एक भी नमाज नहीं पढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली काफिर हो जाता है बेस्ड ऑन दिस हदीथ, ईमान और कुफ के दिमाग के दरमियान सलाह है। दूसरा ग्रुप ये कहता है अगर उसने सलाह नहीं पढ़ी लेकिन बोलता है कि पढ़ना चाहिए, मैं गलती कर रहा हूं, तो उसे काफिर नहीं कहेंगे, कहेंगे कि ही इज नॉट अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। आप समझ रहे हैं? तो इसके अंदर इख्तिलाफ है, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया कोई भी इंसान को मुस्लिम कहने के लिए है कि वो माने कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? जी बिल्कुल मानते हैं ना जी। आप मानते हैं अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है? नहीं। आप मानते हैं अल्लाह की कोई मूर्ति नहीं है? नहीं। माशाल्लाह। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है? जी बिल्कुल। आखिरी पैगंबर है? जी। तो मेरे हिसाब से आप मुस्लिम है, मुस्लिम तो है, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम आस्ते आस्ते होंगे। तो अगर आप मानते हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह के रसूल आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो आप मिनिमम क्राइटेरिया पे, मिनिमम 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 काफी नहीं है। हमें कोशिश करना चाहिए कि जितने कर सके उतना करें, लेकिन ये मिनिमम में आपने कहा कि आप नमाज नहीं पढ़ते। आपने नमाज कभी जिंदगी में पढ़ी या नहीं पढ़ी? मैं जिंदगी में कभी पढ़ी या नहीं पढ़ी? जी। पर कितने बार पढ़ी? इट्स नॉट काउंटेबल। माशाल्लाह, इतने बार पढ़ी क्या पता नहीं, उसका मतलब सैकड़ों बार पढ़ी ना, नॉट काउंटेबल, बराबर कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट कब पढ़ी आपने, आखिरी बार कब पढ़ी नमाज? आई थिंक कपल्स ऑफ सम मंथ्स अगो। माशाल्लाह, नॉट बैड। तो आप अपने आप को एथियस्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज द रीजन इज के जो मैंने क्वेश्चन आपके सामने रखा है कि कुछ मुस्लिम्स हैं समटाइम्स नमाज पढ़ते हैं समटाइम्स नहीं, और जो मेरा सवाल ये था कि कुफर और इस्लाम के बीच में जो फर्क है वो नमाज है, जो कि अब मुझे क्लियर हो गया। तो इसी वजह से कोई भी आलिम ये नहीं कहेगा कि आपने दो महीने पहले नमाज पढ़ी, कभी पढ़ते। कोई भी आलिम दुनिया में ये नहीं कहेगा कि आप काफिर है। अगर बिल्कुल नहीं पढ़ते और बोलते पढ़ना जरूरी नहीं है तो बोलेंगे आप, समझे ना? और आप नहीं पढ़ते, सालों साल नहीं पढ़ रहे, और तो कुछ आलिम कहेंगे क्या आप, लेकिन आप तो माशाल्लाह पढ़ते, इतने बार पढ़ा आपको याद भी नहीं। तो ये पहले आप अपने दिमाग से गलत फहमी निकालिए, बराबर, ठीक है? तो मेरे हिसाब से आप मुस्लिम है। हो सकता है कि यू आर नॉट अ गुड प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, हो सकता है, हो सकता है आप गुड़े, आप पता ही नहीं आपको। आप मेरे हिसाब से, मैं आपको जानता नहीं हूं, हो सकता है कि आप अच्छे मुसलमान है, क्योंकि इंसान कैसा है वो सिर्फ अल्लाह ताला जानता है, बराबर ना? तो अगर कोई लोग ने आपको गलत फहमी करके इस्लाम से दूर लेके जा रहे तो गलत लोग हो। हमें चाहना चाहिए कि लोग को इस्लाम के करीब लेके आए, समझे ना? तो बहुत बार मुसलमान क्या करते हैं, वो इतने फतवे दे देते हैं, ऐसे बात करते कि मुसलमान को गैर मुसलमान बनाते, आखिरत में तो उनकी चंपी होगी। गलत चीज बोलेंगे तो आखिरत में अल्लाह ताला बोलेगा भाई मेरा बंदा था, थोड़ी गलतियां कर रहा था, आपने तो उसको एकदम आउट कर दिया भाई, तो वो भी आउट हो सकते हैं, समझे ना? वो भी क्योंकि एक अल्लाह के रसूल की हदीस है, अगर आप कोई मुस्लिम को काफिर बोलते तो वापिस आपके ऊपर आ जाता है। अगर कोई मुस्लिम को आप काफिर कहते और वो काफिर नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो आपके ऊपर आ जाता है। तो ये तकफीर बहुत कॉमन है, आप देखते हो कोई भी मुसलमान एक दूसरे को काफिर कह रहा है, ये बहुत आम है हमारे माशरे में। ये कहना कोई दूसरा मुसलमान अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहा है और जरा कुछ गलती करता है तो नारे तकबीर काफिर, इधर ये नारे तकबीर काफिर, तो ये हमारी गलती है। हमें हिकमत से, मैंने इस नशिस्त की शुरुआत में कुरान मजीद की आयत पढ़ी सूरह नहल की, सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125, उदु इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादुम बिल्लती अहसन। लोगों को बुलाओ, इनवाइट ऑल टू द वे ऑफ द लॉर्ड, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाओ हिकमत के साथ और हुस्नत के साथ, और उनसे बात करिए,
उनसे डिबेट कीजिए अच्छे तरीके से, आप समझे ना। तो मैं चाहूंगा कि आप मेरी एक तकरीर सुनो, सलाह द प्रोग्रामिंग टूवर्ड्स राइचियसनेस, उर्दू में भी है। सलाह अच्छी राह दिखाता है, उर्दू में भी है लेकिन अंग्रेजी के अंदर भी है, सलाह द प्रोग्रामिंग टूवर्ड्स राइचियसनेस। और ये आप तकरीर सुनेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप ये सुनेंगे तो आप इंशाल्लाह सलाह के करीब आएंगे। भाई साहब कुछ पूछने गए? जाकिर भाई, ही वांट्स टू से हिज शहादा नाउ। माशाल्लाह, मैं तो आपको पूछ लिया हूं लेकिन आप चाहते हैं कि फिर से बोले तो एक मुसलमान कितने बार भी बोल सकता है, इतना बड़ा मजमा है माशाल्लाह। मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूं, मैं शहादत देता हूं कि अल्लाह एक है, कि अल्लाह एक है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और उसके अलावा कोई माबूद नहीं। और मैं शहादत देता हूँ, और मैं शहादत देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी रसूल, उसके आखिरी रसूल और उसके अब्द है, उसके सर्वेंट है, और उसके सर्वेंट है। माशाल्लाह, तकबीर तकबीर। मेरे हिसाब से अगर आप मेरी इज्जत करते हैं, मैं आपको एक फॉर्मूला दिखाऊंगा। भाई साहब नाम क्या आपका? आपने कहा इंशाल यूसुफ। इंशाल यूसुफ, माशाल्लाह, यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र है कुरान में। मेरा छोटा फॉर्मूला है, आप उसको अगर स्टार्ट करेंगे, आज की तो ईशा सलाह खत्म हो गई क्या, इंशाल्लाह आप कल से शुरू कर सकते हैं। मैं आपको एक स्मॉल फॉर्मूला सिखाऊंगा, आप क्या कीजिए इंशाल्लाह आज से अगर ईशा नहीं पड़ी या कल से फजर से आप नमाज पढ़ना शुरू करो। नमाज के आखिर में सलाम फेरने के बाद आप अल्लाह से दुआ करो कि फजर सलाह पढ़ने के बाद दुआ करो कि मेरी जोहर सलाह मुझे मिले, सच्चे दिल से करो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको जोहर पढ़ाएगा। जोहर नमाज खत्म होने के बाद आप अल्लाह से दुआ करो कि मेरी असर नमाज मुझे मिले। असर नमाज खत्म होगी तो दुआ करो अल्लाह से क्या मेरी मगरिब नमाज मिले मुझे। मगरिब नमाज में दुआ करो कि मुझे ईशा मिले। ईशा में दुआ करो कि मुझे फजर मिले। ये 40 दिन तक के करो आप, 40 दिन तक इंशाअल्लाह। अगर 40 दिन करेंगे तो आप जिंदगी भर इंशाअल्लाह आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको बेचैनी होगी, आप समझे ना। फिर आप जाके उनको बोलना जो 2 बार 3 बार पढ़ते, देखो भाई 5 बार इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो मैं दुआ करता हूं अल्लाह से, अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको कोच दे। और अगले बार मैं आऊंगा पाकिस्तान में तो आप बोला मैं 5 टाइम नमाज दी हूँ इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जज़ाकअल्लाह शुक्र, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे।